गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड। आज हम बैक्टीरियोफेज टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं। वायरस ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरियल सेल्स को भोजन बनाते हैं और उन्हें खाते हैं, बैक्टीरियल ईटर, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ये सबसे पहले ट्वर्ट और हेरल दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1915 और 1917 में क्रमशः इन बैक्टीरियोफेजेस को खोजा था। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं इन्होंने जब सोइल बैक्टीरिया का स्टडी कर रहे थे तो इन्होंने पाया कि कुछ सोइल बैक्टीरिया जो होते हैं वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं और उस वहाँ पर नहीं पाए जाते जो कि पैपोर्व में उपस्थित थे। तो उनको पता चला कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है नेचर के अंदर जो कि इन बैक्टीरिया को खा सकते हैं। उसी दौरान इन्होंने बैक्टीरियोफेजेस को स्टडी किया। बैक्टीरियोफेजेस जो होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बना शब्द है, बैक्टीरिया प्लस फेजीन। फेजीन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू ईट। तो इसके बाद में बैक्टीरियोफेजेस का आवास हम पढ़ते हैं, ये ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं अर्थात उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर कि बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, उस पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। मिट्टी में, पानी में, दूध में, वनस्पतियों में, बर्ड्स, यूरिन, सलाइवा, पस, ब्लड सेल, सब जगह जो है ये बैक्टीरियोफेजेस उपस्थित होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेजेस के अतिरिक्त कुछ और फेज पार्टिकल्स भी नेचर में पाए जाते हैं जिनको कि एक्टिनोफेजेस, जाइमोफेजेस, साइनोफेजेस कहते हैं। एक्टिनोफेजेस जो है एक्टिनोमाइसिटिस फंजाई को अपना भोजन बनाती है। जाइमोफेजेस जो होते हैं ईस्ट पर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। साइनोफेजेस ब्लू ग्रीन एल्गी को अपना भोजन बनाते हैं। तो हम अध्ययन के लिए जो बैक्टीरिया फेजेस काम में लेते हैं वो ईकोलाई में उपस्थित फेजेस को स्टडी करने लेते हैं, क्योंकि इसी का ही विस्तार से अध्ययन किया गया है। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फेजेस पढ़ेंगे। फेजेस जो होते हैं इनको टी फेजेस भी कहा जाता है। टी फेजेस जो होती हैं इनको सबसे पहले तीन भागों में बांटा गया था, तीन प्रकार की फेजेस पता चली थी, टी इवन फेजेस, टी ओड फेजेस और टी सिग्मा फेजेस। टी फेजेस जो होते हैं ये दो भागों से मिलकर बनते हैं, हेड एंड टेल। टी इवन फेजेस मतलब T2, T4 और T6 से इनको इंगित किया जाता है। टी ओड फेजेस T1, T3 और T7 फेज को कहा जाता है। टी सिग्मा फेजेस जो है T5 फेजेस को टी सिग्मा फेजेस भी कहा जाता है। इवन फेजेस के अंदर हेड और टेल दोनों भाग होते हैं। हेड जो होता है वो कोणीय भाग होता है और टेल जो होती है संकुचनशील या कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। इसके अलावा इसमें 5-हाइड्रोक्सिल मिथाइल साइटोसिन पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। T1, T3, 7 फेजेस के अंदर भी हेड और टेल दो भाग होते हैं और टेल जो होती है वो छोटी होती है और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल होती है, जो कि इवन फेज से डिफरेंस है यहाँ पर। इसके अलावा DNA में साइटोसिन होता है, ये भी एक डिफरेंस है इवन फेजेस से ओड फेजेस के अंदर। डबल स्टैंडर्ड DNA में भी पाया जाता है। सिग्मा फेजेस इनके अंदर लॉन्ग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, ये ओड फेजेस से डिफरेंस हो गया, टेल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है लेकिन लंबी है। साइटोसिन होता है इसके अंदर भी DNA में ओड फेजेस की तरह ही। सिग्मा फाई इंटू 174 फेजेस, इनके अंदर टेल एब्सेंट होती है और सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं ये फेजेस। नेक्स्ट जो है वो F2 फेजेस और R17 फेजेस के प्रकार हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड RNA से मिलकर बनी हुई होती हैं। इनके अंदर RNA जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA इनके अंदर पाया जाता है। तो ये जो है तीसरी हमने पढ़ी जो कैटेगरी है F2 और R17 सिंगल स्टैंडर्ड RNA इसके अंदर होता है। अब तो ये हमने पढ़ा कि DNA और जो है इसकी टेल के हिसाब से हमने जो है इनको फेजेस को वर्गीकृत किया। दूसरा इसका प्रकार जो है वर्गीकृत करने का, विरुलेंट और टेम्परेट फेजेस के अंदर इनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं। विरुलेंट और टेम्परेट फेजेस का अध्ययन जो है लॉफ ने 1953 में बताया और इन्होंने बताया कि इसके आधार पर हम बैक्टीरियोफेजेस को तीन प्रकार में बांट सकते हैं। पहली प्रकार जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर, दूसरी प्रोफेज, तीसरी वेजिटेटिव फेज।
या इनको हम वेजिटेटिव प्रोफेज और एक्स्ट्रा सेलुलर इस तरह से तीन प्रकार लिख सकते हैं। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फेज जो होती है वो किसी होस्ट के अंदर नहीं उपस्थित होती, उसके बाहर रहती है। प्रोफेज और वेजिटेटिव फेज जो होती है ये इंटर सेलुलर होती हैं और होस्ट के अंदर उपस्थित होती हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फेज के अंदर हेड और टेल दोनों भाग होते हैं और मल्टीप्लाई नहीं करती हैं, ये मल्टीप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि ये होस्ट के बाहर होती हैं। वेजिटेटिव फेज और प्रोफेज जो होती हैं इनके अंदर केवल डीएनए के रूप में ही ये पाई जाती हैं और ये होस्ट के अंदर जो है वेजिटेटिव फेज जो होती हैं ये भी होस्ट में मल्टीप्लाई करती हैं, प्रोफेज भी होस्ट में मल्टीप्लाई करती है। वेजिटेटिव फेजेस जो होती हैं इनका द्वारा जो इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई होती है, वेजिटेटिव फेज जो होती हैं ये इनका डीएनए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई करता है और जो प्रोफेज होती हैं उनका डीएनए जो है वो इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़कर मल्टीप्लाई होता है। तो जिन बैक्टीरिया में प्रोफेज होती है, मतलब जो कि बैक्टीरिया के डीएनए से जुड़कर मल्टीप्लाई करती हैं, उनको ए विरुलेंट या लाइसोजेनिक फेज बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं। और जिनके अंदर जो है वेजिटेटिव फेजेस होती हैं और बैक्टीरिया के डीएनए से बिना जुड़े जो मल्टीप्लाई करती हैं, इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई करती हैं, इनको विरुलेंट फेजेस या लाइटिक फेजेस भी कहते हैं। T2 और T4 फेजेस इसका उदाहरण है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में हमें दो चीज़ें पढ़नी है, तो इसकी मॉर्फोलॉजी और दूसरा इसका केमिकल कॉम्पोजिशन। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो इसका हेड कहलाता है, दूसरा भाग ही लंबा आप इसकी टेल देख रहे हैं, और तीसरा भाग इसका हम एंड पार्ट भी कह सकते हैं। तो इसका जो हेड होता है ये प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना हुआ होता है। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन इसको कवर करके रखता है, इसकी आउटर कवरिंग होती है। और इसका जो एंड भाग होता है प्रोटीन का हेड का, वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है और इसको पोलर कहा जाता है। इसके नीचे जो है इसका टेल वाला भाग होता है, टेल जो होता है एक सेंट्रल भाग कोर जिसको कहते हैं, या रोड शेप स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है जिसके चारों तरफ जो है स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर शीथ पाई जाती है। हेड और टेल दोनों की लंबाई ऑलमोस्ट बराबर होती है, 950 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर ये होते हैं, और इसकी चौड़ाई जो है हेड की वो 650 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर होती है। एंड प्लेट जो होती है ये 200 आर्मस्ट्रॉन्ग के बराबर थिकनेस इसकी होती है, और एंड में जो है एंड प्लेट से लगे हुए कुछ तंतु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेल फाइबर्स कहलाते हैं, और 1500 आर्मस्ट्रॉन्ग के आसपास इनकी लेंथ होती है। एंड प्लेट और ये टेल फाइबर्स जो होते हैं बैक्टीरियोफेज को जो है बैक्टीरिया से जुड़ने में मदद करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन जो है ये तीन चीज़ों से मिलकर बनते हैं बैक्टीरियोफेजेस, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स। लिपिड्स जो होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसके अंदर पाए जाते हैं और न्यूट्रल फैट्स के रूप में होते हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और 50-60% होते हैं, और ये सब यूनिट्स के रूप में पाए जाते हैं जिनको कि कैप्सोमियर्स कहते हैं, और कैप्सोमियर्स मिलकर कैप्सिड बनाते हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो होता है ये 40-50% होता है, ये डीएनए या आरएनए के रूप में हो सकता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड के रूप में या सिंगल स्ट्रैंड के रूप में उपस्थित हो सकता है। अंत में हम इसके आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। आर्थिक महत्व के रूप में इसका बहुत महत्व जो है बहुत सारी बीमारियों को के जो पैथोजन्स होते हैं जैसे कोलेरा है, डाइसेंट्री है, टाइफॉइड है, इनसे रिलेटेड जो बैक्टीरिया होते हैं इनको ये सोर्स से नष्ट कर देते हैं और जो है इन डिजीज़ से लड़ने में मदद करते हैं। गंगा के पानी जो है हम कहते हैं कि बहुत शुद्ध होता है और ख़राब नहीं होता है, बरसों रखो रहे तब भी ये ख़राब नहीं होता है। इसके पानी में भी बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं जो कि पानी में जो अशुद्धियाँ आती हैं उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं, भक्षण कर लेते हैं। इस कारण पानी जो है वो गंगा का काफ़ी समय तक शुद्ध बना रहता है। पोल्यूटेड वाटर को साफ़ करने के लिए भी जो है इनको काम में लिया जाता है, और ट्रांसडक्शन बैक्टीरिया के अंदर, जेनेटिक रिफॉर्मेशन के अंदर भी बैक्टीरियोफेजेस मदद करते हैं।
इसके अलावा इनका हमें नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि मिल्क प्रोसेसेस के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हमने पढ़े थे काम में आते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के निर्माण में हमने पढ़ा था काम में आते हैं, तो कई बार ये बैक्टीरियोफेजेस इन बैक्टीरिया के ऊपर संक्रमण करके इनको खा जाते हैं। तो ये प्रोसेसेस जो होती हैं जो कि मिल्क प्रोसेसेस के अंदर या फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर या एंटीबायोटिक मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ के अंदर या अन्य इंडस्ट्रीज़ के अंदर बैक्टीरिया को लेकर की जाती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान भी है बैक्टीरियोफेजेस का फ़ायदे के साथ साथ में। तो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि आपके कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में तो आ जाता है कि बैक्टीरियोफेजेस के रिप्रोडक्शन के बारे में बताइए, तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये। तो जब हमने बैक्टीरिया का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था तो उसके अंदर हमने बैक्टीरियोफेजेस के लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल्स पढ़े थे। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये बैक्टीरिया जो है किस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, उसी को ही यहाँ पर हमें रिपीट करना है। हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप उसी पिछली जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसी में से ही आप इसका उत्तर स्वयं प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो है उसकी आपको व्हाट्सएप के ऊपर PDF भी उपलब्ध करवा दी गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर किस तरह से कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया हमारे सिलेबस में है, क्या होते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।